हेलो फ्रेंड्स, थॉमस हार्डी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। थॉमस हार्डी विक्टोरियन पीरियड के एक राइटर हैं। उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं थॉमस हार्डी के बारे में। थॉमस हार्डी का जन्म, बर्थ 1840 में हुआ और डेथ 1928 को हुई। ये नॉवलिस्ट थे थॉमस हार्डी, पोइट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी कि नॉवल्स भी लिखे हैं उन्होंने, पोइम्स भी लिखी हैं और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। और थॉमस हार्डी के ऊपर उनकी मदर का और उनकी सिस्टर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी, वो पढ़ती रहती थी, और जिसका इन्फ्लुएंस उसके सिस्टर पे हुआ, और दोनों का इन्फ्लुएंस हमें हार्डी के रीडिंग के पे ऊपर भी देखने को मिलता है। और मगर हम ये भी देखते हैं इनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी। स्टैमरिंग होता है, स्टैमरिंग एक प्रॉब्लम होती है, जैसे जिसको हम बोलते हैं हकलाना बोलते हैं, ठीक है, जैसे हकलाकर बोलता है उसको स्टैमरिंग बोलते हैं। ओके, देन 1862 में लंदन में ये अपने फादर के फ्रेंड थे, उनके थ्रू, जो फादर के फ्रेंड थे उनके सन के थ्रू एक आर्किटेक्चर मिलते हैं जिसका नाम होता है सर आर्थर ब्लोमफील्ड होता है। ओके, उनसे मिलते हैं, ये उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इनकी लाइफ के ऊपर। और वहाँ से ये जो सर आर्थर ब्लोमफील्ड है, इनसे मिलने के बाद ये इनका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है प्लेज में एंड ओपेरा में। ओके, देन हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो ये इनको किस किन ने इन्फ्लुएंस किया था, जैसे स्पेंसर हो गए, हेनरी हॉक्सले, जॉन रस्किन, चार्ल्स डार्विन एंड जीएस मिल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इनके ऊपर, थॉमस हार्डी के ऊपर। और वर्ड्सवर्थ को भी इन्होंने अपने वर्क्स में प्रेज किया है। और वेसेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो वेसेक्स है ये एक फिक्शनल प्लेस है जो ज़्यादातर हमें थॉमस हार्डी के जो वर्क्स हैं उसमें सेटिंग ज़्यादातर ये वेसेक्स प्लेस पे ही करते थे। ये कोई फिक्शनल प्लेस था। ओके, और ये इनकी खुद की लाइन है, दैट आई अडॉप्टेड द वर्ड वेसेक्स फ्रॉम द पेजेस ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। तो ये भी माना जाता है कि जब ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इंग्लैंड में कोई वेसेक्स नाम का प्लेस था और धीरे धीरे ये टुकड़ों में बांटा गया, और मगर ये वैसे ऐसा भी माना जाता है ये फिक्शनल प्लेस है, ओरिजिनली नहीं हुआ। और बहुत से ये ऐसा भी मानते हैं स्कॉलर्स के ये था, ये इस नाम का प्लेस था, मगर ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड में था। ओके, इंग्लैंड में। देन आगे हम आ जाते हैं इनके वर्क्स के ऊपर। तो वर्क, सबसे पहले इनका वर्क्स आया 1867 में, द पुअर मैन एंड द लेडी। तो ये इन्होंने पहले तो इसको पब्लिश नहीं करवाया था, द पुअर मैन एंड द लेडी को, बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं पब्लिश करवाया था, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से डरते हुए इन्होंने ये अपना वर्क नहीं पब्लिश करवाया था, और इसको इन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रॉय भी कर दिया था इस वर्क को। और कुछ पार्ट इसके मिलते हैं लेफ्ट रह जाते हैं, वही मतलब पब्लिश करवाए जाते हैं, तभी हमें इस वर्क के बारे में इनके पता चलता है। और सेकंड इनका जो वर्क है डेस्परेट रेमेडीज़, ये फर्स्ट नॉवल माना जाता है 1871 में आया। जो इससे पहले का नॉवल था वो तो उन्होंने पब्लिश नहीं करवाया और डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, और उसके बाद जो फर्स्ट नॉवल माना जाता है थॉमस हार्डी का वो डेस्परेट रेमेडीज़ है, 1871 में आता है। देन अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872, आफ्टर वन ईयर, ये भी एक इनका नॉवल है। द पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये 1873 में आता है, और ये जो वर्क है ये सीरीज में आता है, और ये एक मैगजीन में आता है। कौन से मैगजीन में, टिंसलेज मैगजीन में ये आता है सीरीज फॉर्म में, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। ओके, और इसमें एक करेक्टर होती है जिसका नाम होता है एमा, और एमा ही जो हार्डी की जो फर्स्ट वाइफ है उसका नाम भी एमा
है, और ऐसा बोल सकते हैं कि ये उनको डेडिकेट करने के लिए यानी कि लिखा था इन्होंने ये वर्क द पेयर ऑफ ब्लू आइज। ओके, देन आ जाता है फोर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ये इनका फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुल नॉवल माना जाता है 1874 में, यानी कि कमर्शियल सक्सेसफुल यानी कि इस नॉवल से इनको बहुत इन्होंने पैसे कमाए थे इसके ज़रिए, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड से। ओके, देन आ जाता है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878 में इनका ये वर्क आया। देन मेजर ऑफ मेयर आएगा यहाँ पे, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज 1888। देन द ट्रम्फेट मेजर 1880, ये हिस्टोरिकल नावल है द ट्रम्फेट मेजर। देन टेस्ट ऑफ डी अर्बविले और द प्योर वुमेन फेथफुल प्रेजेंटेड, ये प्योर वुमेन है वो फेथफुली प्रेजेंटेड की गई है अपने इस वर्क में 1891 में इनका ये वर्क आता है। देन ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं और 1895 में इनका ये वर्क आता है। देन वेसेक्स हमने बात की थी, वेसेक्स ये फिक्शनल टाउन है, ये ज़्यादातर इनके वर्क्स में देखने को मिलता है। और वेसेक्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी आया था 1888 में, यानी कि 1888 में, यानी कि 1888 में इनका वेसेक्स कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी आता है। वेसेक्स कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी इनके 10 साल के बाद यानी कि 1898 में दोबारा से ये पोइम्स का कलेक्शन आता है। और पोइम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, द पोइम ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट 1901 में ये भी कलेक्शन था वो आता है। और ये हमने याद रखना है कि द पास्ट एंड द प्रेजेंट ये पोइम्स हैं थॉमस हार्डी की हैं, और एक नॉवल भी था पास्ट एंड प्रेजेंट वो थॉमस कार्लाइल का था। ओके, ये क्योंकि आपको ना लिटरेचर में बहुत से एक ही टाइटल के अलग अलग राइटर के दोबारा लिखे हुए बहुत से वर्क मिल जाएंगे, तो हमने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, तो मैंने साथ के साथ उसका भी रेफरेंस दे दिया है कि थॉमस कार्लाइल ने पास्ट एंड प्रेजेंट लिखा था, वो एक प्रोज वर्क था। ओके, और ये पास्ट एंड प्रेजेंट है ये थॉमस हार्डी की पोइम्स हैं। ओके, देन आ जाता है ड्रामा, इन्होंने ड्रामास भी लिखे। ड्रामा में इनका जो ड्रामा है वो है डायनेस्टिस, ये डायनेस्टिस है, ये एपिक क्लोजेड ड्रामा है, थ्री पार्ट्स में आता है। फर्स्ट पार्ट आता है इनका 1903 में, सेकंड पार्ट 1906 में, और थर्ड पार्ट 1908 में आता है डायनेस्टिस का। देन डेथ ईयर ऑफ हार्डी, अगर डेथ ईयर देखें हार्डी का तो ये है 1928, तो जो इनकी मिसिज हार्डी हैं यानी कि इनकी जो वाइफ हैं वो पब्लिश करवाती हैं इनका वर्क द अर्ली लाइफ ऑफ मिस्टर हार्डी, ये फुल टाइटल है, ये वर्क पब्लिश करवाती हैं, इसमें इनका वर्क देखने को मिलता है, फुल वर्क देखने को मिलता है थॉमस हार्डी का, जो पोस्टमॉर्टमली इनकी वाइफ पब्लिश करवाती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज क्लास, टूडेज वीडियो, जो आपको शायद मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।